So class 11th, once again good morning to all of you, and today I will discuss regarding question number 2, GST part. Take a date, particular, LF, amount, debit and credit. Next, purchase goods 5 lakh from Sunil Brothers. Take a Sunil Brothers purchase kar raha hai goods aur upar de raha hai input GST. GST dono do type ki GST hai, CGST aur SGST, you know very well, 9%. Take a so aap log ko karna kya hai ki isme aaj hum thoda sa discussion karenge. मार्च 4, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट फॉर्मेट आप लोग बना लेना. ठीक है, परचेज के समय इनपुट जीएसटी होती है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, डेबिट एंड टू व्हाट, वंस अगेन सुनील ब्रदर्स. ठीक है, अब इसके बाद का जो डिस्कशन है वो ये है कि आपके पास टोटल परचेज था कितना. टोटल परचेज 5 लाख का था. ठीक है, 9% हो गया 45,000, 5 लाख, 45,000, 45,000, तो 5,90,000 बीइंग गुड्स परचेज एंड जीएसटी 4. नाउ द नेक्स्ट पार्ट कह रहा है परचेज रिटर्न हुआ है, कितने का रिटर्न हुआ है, 20,000 का. अब देखो भाई, जब परचेज किए थे तो मार्च 7, ठीक है, सो जैसे एंट्री है जस्ट अपोजिट एंट्री पास करोगे. जीएसटी अब लिया था तो वापस जीएसटी को आप क्रेडिट भी करोगे एट द टाइम ऑफ रिटर्न. ठीक है, जैसे दिया है वैसे जस्ट अपोजिट. सुनील ब्रदर्स डेबिट, रिटर्न हो रहा है नेक्स्ट एंट्री. ठीक है, और टू परचेज रिटर्न, यहां जीएसटी वापस हो जा रही है. टू इनपुट CGST, to input SGST, ठीक है, being goods return. ठीक है, अब भरने का क्या तरीका, जरा इसमें देखो आपके पास सुनील ब्रदर्स ने कितने का गुड्स रिटर्न किया. आपको रिटर्न तो 20,000 दिखा रहा, ठीक है, लेकिन इस पर जीएसटी भी चार्ज हुआ होगा. ठीक है, याद रखिएगा कि जीएसटी जितना रिटर्न हुआ है उस पर जीएसटी चार्ज हुआ होगा. कितना परसेंट चार्ज हुआ होगा, 9%, यानी 1800, 1800, तो टोटल आपका हो जाएगा इसमें 23,600. नाउ द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 3, मार्च 10. ठीक है, मार्च 10 में आप क्या एंट्री पास करोगे. कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी 8 लाख. ठीक है, सो 8 लाख का 9% मेहता डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपको पता है इस पर आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी काउंट होगी. ठीक है, सो बी गुड्स सोल्ड. ठीक है, तो कितने का सोल्ड किया गया है, 8 लाख का. 8 लाख का सेल है, 72,000 की जीएसटी, तो टोटल हो जाएगा 8 लाख प्लस 72,000 प्लस 72,000, 9,44,000. नाउ द नेक्स्ट एंट्री, फिर एक बार ये है आई थिंक रिटर्न की एंट्री है. कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी 30,000 का गुड्स रिटर्न किया गया जिस पर जीएसटी भी चार्ज हुआ होगा. देखो, हम जीएसटी सेल करते समय जब ले भी रहे हैं तो वापस करते समय वापस करेंगे, तो जैसा है वैसे अपोजिट एंट्री. ठीक है, मार्च 12. ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिट. ठीक है, और आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट एंड टू व्हाट, क्या होगा, मेहता एंड कंपनी. ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न. ठीक है, नेक्स्ट कितनी का गुड्स रिटर्न था, 30,000. तो 30,000 का 9% 2700. ठीक है, सो 30,000 2700 प्लस 2700 35,400. ठीक है, ये आपकी एंट्री थी. अब हम बात करते हैं ड्रॉइंग्स. जैसा कह रहा है वैसे वैसे रिटर्न के टाइम आप जीएसटी को डेबिट कर दीजिएगा और
सेल के समय क्रेडिट और रिटर्न के समय डेबिट, उसी तरह परचेज के समय जीएसटी डेबिट होगी, रिटर्न के समय क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो गई। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग्स, ये है ड्राइंग्स आपका 10,000 का। ठीक है, सो ड्राइंग्स है मार्च 20। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस है और पर्सनल एक्सपेंस है, तो जिससे हमारी ये, यहां पे हमको एक चीज आपसे डिस्कशन करनी है। जब भी ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स के लिए कह रहा है कि गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 10,000। ठीक है, गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पे टू परचेज, उतने से हमारा परचेज लिखो या गुड्स लिखो, बात एक ही है। ठीक है, गुड्स वापस जा रहा है तो इसका मतलब, सॉरी ये कह रहा था एंट्री थी गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। आपको पता है कि जब प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है गुड्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। लेकिन ये गुड्स जो हम लोग परचेज किए होंगे उस पर भी तो जीएसटी लगी होगी। ठीक है, सो वो जीएसटी हम पर्सनल यूज के लिए लिए, अपने घर के खर्चे के लिए गुड्स को निकाल लें। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंस है तो उतने से हमारा गुड्स तो कम हो ही जाएगा, चाहे आप गुड्स लिखो चाहे परचेज लिखो। अच्छा, इस पर ये जो परचेज कम हो रहा है इस पर जीएसटी भी तो काउंट हुई होगी, तो ये जीएसटी भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ खत्म हो जाएगी इनपुट सी जीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स यूज फॉर द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, कितने हजार का गुड्स था 10,000, 9% 900 जीएसटी चार्ज हुई होगी, जो गुड्स ये ले जा रहा है उस पर जीएसटी भी तो चार्ज हुई होगी, तो टोटल गुड्स ये कितने का ले गया 11,800 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब ही होता है कि वो परचेस किया होगा गुड्स, सेम तरीका है जैसे इसमें कर रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो एंट्री बनेगी मार्च 25 की एंट्री हम देखते हैं। ठीक है, मार्च 25 की एंट्री बनेगी, एडवर्टीजमेंट है वो फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और टू उतने से हमने फ्री सैंपल दिया, यानी गुड्स कम हुआ होगा, चाहे गुड्स लिखो चाहे परचेज। ठीक है, टू इनपुट सी जी एस टी एंड टू इनपुट एस जी एस टी, यहाँ पे इस गुड्स पे जीएसटी भी लगी होगी, हम फ्री सैंपल दे रहे हैं। ठीक है, सो इस परचेज पे जीएसटी काउंट हुई होगी जब हम परचेज किए होंगे, तो बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे कितना है, 5,000 है, परचेज किया था 5,000, यानी जो खरीदा होगा गुड्स वो 5,000 कॉस्ट होगी, तो 5,000 का 9% इस पर जीएसटी काउंट हुई होगी, 450। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 5,000 प्लस 450 प्लस 450 तो 5,900, 5,900। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग बात करते हैं पेड एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टाइज कराओगे और चेक से पेमेंट दे रहे हो तो उस पर भी तो एक्सपेंस है, उस पर भी तो जीएसटी काउंट होगी, तो जीएसटी कितना लगेगा, लास्ट एंट्री है शायद आपकी, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और हमारे पास फिर एक बार जो एडवर्टाइज कराए हैं हम उस पर काउंट होगी जीएसटी, तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट खर्चा है हमारा, ये एक्सपेंस है इसीलिए हम पेड के समय जीएसटी का भी पेमेंट करते हैं साथ साथ। क्या एडवर्टाइजमेंट जो चेक से दिया है पेमेंट, यस, तो टू बैंक अकाउंट, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, सो कितना एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, 20,000 का है, 20,000 का है तो 20,000 का 9% 1,800। ठीक है, 20,000 प्लस 1,800 प्लस 1,800 23,600, ये आपका पार्ट हो गया जीएसटी का। नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर, अब हम लास्ट डिस्कशन करने वाले हैं इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी पे, जो हमको एडजस्टमेंट की लास्ट एंट्री पास करनी है।
ठीक है। सो एडजस्टमेंट को बनाने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखना है थोड़ा, ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको फटाक से, और हम इसी पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पार्ट है इसमें। ठीक, अब यहाँ पे हमको टोटल इनपुट जीएसटी, यहाँ पे आप इनपुट क्या करोगे, सीजीएसटी एक तरफ बना लेना, एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। हमें कितना जीएसटी का गवर्नमेंट को पेमेंट, क्योंकि एक बार हम पेड कर रहे हैं तो दोबारा गवर्नमेंट हमको उतने की छूट देती है कलेक्शन को। ठीक है, सो ये तो डेबिट होता है, डेबिट इनपुट, और क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट। ठीक है, सो सबसे पहली चीज हम सारे इनपुट को एक साथ प्लस कर लेना है, इनपुट सीजीएसटी वालों को। ठीक है, तो जितना इनपुट सीजीएसटी होगा उतना इनपुट एसजीएसटी भी होगा, जितना क्रेडिट होगा उस पर भी क्रेडिट हम ले लेंगे। 45,000 इनपुट सीजीएसटी है, प्लस करिएगा, फिर यहां इतने से माइनस करिएगा, क्योंकि इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट हुआ है। ठीक है, डेबिट डेबिट इनपुट, चूंकि इनपुट क्या है, एक साथ हम कर रहे हैं, जितने भी इनपुट डेबिट होंगे प्लस करिएगा, क्रेडिट होंगे माइनस करिएगा। ठीक है, 45,000 माइनस 1800, ठीक है, प्लस देखेंगे फिर इनपुट है कहीं, इनपुट यहाँ फिर क्रेडिट हुआ है 900 से, तो माइनस 900 करिएगा। ठीक है, इनपुट क्रेडिट होगा तो माइनस, इनपुट डेबिट होगा तो प्लस। ठीक है, यहाँ बात करते हैं इनपुट, इनपुट प्लस होगा चूंकि इनपुट डेबिट हो रहा है, नहीं वहां पे भी क्रेडिट हो रहा। ठीक, सो माइनस 450। ठीक है, प्लस इनपुट डेबिट हुआ तो टोटल आ जाएगा आपका कितना, 43,650। ठीक है, सेम इसका भी यही आएगा। आप देखिए जितनी इनपुट हैं, जहां जहां डेबिट है उनको एक साथ प्लस कर लो, ठीक है, और जो क्रेडिट है उनको माइनस कर दो, तब यहां फिगर लिखना। अब हम आउटपुट की बात करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट हमारे पास क्रेडिट होता है इसका बैलेंस, तो क्रेडिट वाले प्लस, डेबिट वाले माइनस। तो ये डेबिट हुआ है यहाँ पे, देखो एक बार माइनस कर दीजिएगा और फिर देखेंगे कहीं आउटपुट है, अब कहीं आउटपुट नहीं दिखा हमको, तो हमारे पास आ गया 69,300। अब देखो जितना हम पेड कर चुके हैं दोबारा उतना पेमेंट नहीं करेंगे, डबल टैक्सेशन का डबल टैक्सेशन हो जाएगा अगर हम परचेज पे भी पेमेंट करें, सेल पर भी पेमेंट करें, दोनों पैसा तो गवर्नमेंट का है, लेकिन हमको गवर्नमेंट रिबेट दे रही है। ठीक है, तो रिबेट क्या दे रही है, इतना जितना आप पेड कर चुके हैं उतना आप सेल पर पेड नहीं करोगे गवर्नमेंट को, दोनों पैसा गवर्नमेंट का है, लेकिन ऐसे आपको गवर्नमेंट जो है आपको रिलीफ दे रही है टैक्सेशन का। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में करना क्या है, एंट्री कैसे बनेगी वो हम आपको बताएंगे, पहले ये देख लो कितना पैसा हमको देना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट को देना है 25,650। देखो सेल ज्यादा है ना, परचेस कम। ठीक है, सो एंट्री कैसे बनेगी। ठीक है, सो लास्ट ट्रीटमेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, लास्ट ट्रीटमेंट कैसे करोगे एंट्री, यानी ये डेबिट होता है, हमको एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, जो डेबिट है किससे हम कितना पैसा खत्म किए, यानी हम इससे इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट होता है, इनपुट सीजीएसटी क्या होती है, डेबिट होती है, जितना पैसा हम एडजस्ट कर रहे हैं किसके साथ, आउटपुट सीजीएसटी के साथ, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है आउटपुट का, और इनपुट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इनपुट को आउटपुट से हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम एक बार इतना टैक्स पेमेंट कर चुके हैं तो दोबारा आउटपुट पे उतना पेमेंट हमको नहीं करना है। ठीक है, कितना पेमेंट नहीं करना है आउटपुट पे, 43,650, तो हम इसमें से इतना पैसा निकाल लेंगे, 69,300 से 43,650 को निकाल लेंगे, तो हम निकालने की एंट्री होगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, और जो बाकी बचा यानी कितना कितना पैसा हमने एडजस्ट किया है, हमारे पास कितना कितना है, यानी हम इस पैसे को निकालेंगे, पहले पूरा पूरा पैसा निकाल के हम इसको, क्योंकि क्रेडिट है ये पैसा मेरा नहीं गवर्नमेंट का, लेकिन 69,300
क्रेडिट था, जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 69,300, 69,300, ठीक है। इसमें से हम कितना पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, 49,650, 43,650, दोनों में 43,650 होगा, गलती से 49 निकल गया, 43,650 दोनों में, ठीक है। सो हमारे पास जो शॉर्टफॉल होगा, ठीक है, वो हम पेमेंट कितना करेंगे गवर्नमेंट को, वो एंट्री हमारे एडजस्टमेंट ऑफ, यहां पे बनाइएगा एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, ठीक है। सो कितना है वो हम ऐड कर लेते हैं, हमने बताया कैसे एडजस्ट करेंगे, एक बार फिर हम इसी पे कल डिस्कस करेंगे। तो आपको पेमेंट कितना करना है, 51,300 रुपीज, ठीक है। तो ये है पूरा जीएसटी का क्वेश्चन, यानी हमने इस पैसे को पूरा निकाल लिया, कि इससे इतना एडजस्ट कर लिया, डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट बना लिया, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें गवर्नमेंट को टोटल कितना पैसा देना है, 51,300, जिसमें से हमने सेल का कुछ पैसा एडजस्ट किया है 43,650, किससे एडजस्ट किया है, आउटपुट से, आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी और इनपुट सी जी एस टी और इनपुट एस जी एस टी से एडजस्ट किया। तो ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जीएसटी का। तो कल हम फिर एक बार डिस्कस करेंगे जीएसटी पे, ठीक है क्लास, थैंक यू।